40% वोट भी। अंजना चालू हो गया क्या? नमस्कार, मैं हूं सुसुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक ही ब्लैक ब्लैक नहीं व्हाइट लाई। और ब्लैक नहीं व्हाइट लाई में आज हम कर्नाटक चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजों का मातम मना रहे हैं, माफ कीजिएगा, विश्लेषण कर रहे हैं। आज हम विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको कर्नाटक से कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। कर्नाटक में गुजरात भाषियों के साथ कैसा अमानवीय बर्ताव हो रहा है, हम आपको उसकी कुछ दर्दनाक तस्वीरें दिखा रहे हैं। कर्नाटक चुनाव के एग्जिट पोल से यह साबित हो गया है कि कर्नाटक के नाम में बेशक नाटक लगा हो, लेकिन कर्नाटक के लोग नाटक बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। कर्नाटक चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजों से यह भी साबित हो गया है कि कर्नाटक के अधिकांश लोग बहुत स्वार्थी हैं। वे सिर्फ अपना भला चाहते हैं, वे गौतम का भला नहीं चाहते, वे मुकेश का भला नहीं चाहते, देश का भला नहीं चाहते। कर्नाटक के लोगों को इस एग्जिट पोल के नतीजों से ये पता चल रहा है कि कर्नाटक के लोगों को सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियां पसंद हैं, उन्हें अच्छा भाषण पसंद नहीं है, उन्हें मन की बात भी पसंद नहीं है, यहां तक कि उन्हें फूलों से सजा हुआ बहुत सुंदर लाखों करोड़ों का रोड शो भी पसंद नहीं है, उन्हें बजरंग दल भी पसंद नहीं है। और एग्जिट पोल के इन नतीजों से हमें यह भी पता चलता है कि कर्नाटक के लोगों को सिर्फ बिजली पानी पसंद है अपने लिए रोजगार पसंद है, अपने लिए अच्छी नौकरी पसंद है। और इन लोगों को लगता है कि इन्हें नौकरी सिर्फ कांग्रेस ही दे सकती है, हमारी पार्टी नहीं दे, संस्कारी पार्टी इन्हें नौकरी नहीं दे सकती। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। आज हम कर्नाटक के इन लोगों से ये अपील करना चाहते हैं, इनसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि एक बार ये नोएडा की फिल्म सिटी का चक्कर जरूर लगाएं, तो इन्हें पता चलेगा कि संस्कारी पार्टी ने कितने लोगों को नौकरी दे रखी है। और कर्नाटक के लोगों को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एक फिल्म बनाने पर कितने करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जो इस एग्जिट पोल के नतीजों से पता चल रहा है कि वे सारे पैसे बर्बाद हो गए हैं। कर्नाटक के एग्जिट पोल के नतीजों से यह भी पता चल गया है कि कर्नाटक के लोग बजरंगबली का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते, और यहां तक कि हमारे पर्सनल भगवान की भी बिल्कुल इज्जत नहीं करते। लेकिन आज हम इन लोगों को यह भी बताना चाहते हैं कि एग्जिट पोल के जो ये नतीजे आए हैं, इससे ये तो पता चलता है कि कर्नाटक के लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया है, कांग्रेस को वोट दिया है। लेकिन इनसे ये नहीं पता चलता कि ईवीएम ने किसको वोट दिया है, और अंत में यही मायने रखता है कि ईवीएम ने मैं समझता हूं बड़े पापा, लेकिन आपको तो पता है, आपने देखा है कि हमने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, 24 घंटे आपने देखा है कि हमने, अब क्या करें, कर्नाटक वाले हिंदी के चैनल ही नहीं देखते, तो नहीं तो पापा 40% वोट जरूर मिलते अगर वो हिंदी के चैनल देखते। पापा आ रहा हूं, जी आ रहा हूं। अच्छा अर्णव आ गया है, अमन भी, अच्छा अमीश भी आ गया, नविका भी आ गया, नहीं अंजना यही है मेरे साथ, जी मैं पहुंच रहा हूं, जी बस आ गया, अभी वक्त हो गया एक सुसु ब्रेक का, क्योंकि बड़े पापा के इस फोन के बाद बहुत तेज, तो आप ब्रेक लीजिए। अंजना